रस से वाकिफ हूँ, रग रग से वाकिफ हूँ, अदालतों में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी। जितनी जल्दी इस बात को यकीन कर लो, इस देश में अदालतें नहीं है, और अगर है भी तो हमारे लिए नहीं है। अब के बाद इस देश में कोई भी चुनाव, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषदों का, नगर निगमों, नगर पालिकाओं का हो, जिला पंचायतों, न्याय पंचायतों, ब्लॉक, ग्राम पंचायतों, ग्राम प्रधान का चुनाव हो, केवल और केवल बैलेट पेपर से होना चाहिए। तीनों चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह ही सभी संवैधानिक और कानूनी अधिकार समान रूप से दिए जाए और उन्हें भी समान रूप से संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हो। यही काम करना है। कानूनी रूप से क्या करेगी अदालत, कुछ
फैसला था, जिनके हक में वो जमीन की गई उनका कोई भी कानूनी अधिकार न था न है। कोर्ट ने माना कि ना यहां पे कभी रामलला थे, ना कभी यहां राम की पूजा होती थी, ना यहां पे कोई मंदिर था। कोर्ट ने माना यहां पर मस्जिद थी, मस्जिद ही तोड़ी गई है। उसके बावजूद भी मस्जिद वालों को साइड में करके 5 एकड़ जमीन की बात करके सारी की सारी जमीन सब राम मंदिर के नाम कर दी गई और ट्रस्ट बना दी गई। इतना गैर संवैधानिक, गैर कानूनी वाहिया जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से पहले कभी नहीं हुआ जो ये राम मंदिर वाला जजमेंट हुआ है। किस अदालत की बात करो, मैं इसीलिए कह रहा हूं, उस बात को समझो। क्या हम भी जिस तरह से लोग हल्ला मचा के 50 लड़कों को लेके और जिंदाबाद झुंडाबाद और ये करते हुए करें, क्या उसी युद्ध जुड़ेगा? ये हमारी समझ के बाहर। यहां कुछ साथी हैं युद्ध, उनसे मैं कहूंगा वो आगे आए, अपना नाम दे, ताकि अभी एक साथियों की टीम बन जाए। वो साथी नाम दे, टीम बनेगी। हमने बड़ा इसका वो बनाया है तरीका कि किस तरह की टीम होनी चाहिए। एक उसका उदाहरण देता हूं, उससे आप समझ लेंगे कि कितनी बारीकी से हम काम कर रहे हैं। हर नौजवान साथी जो भी आएगा उससे इतनी ही रिक्वेस्ट है, अपने नीचे केवल 9 साथियों की टीम बनाए, युवाओं 9, दसवां वो खुद। 9 साथी जुड़े साथ में, दसवां वो खुद हो। इस तरह की यूथ की टीम गांव गांव लेवल पर हम बनाने की तैयारी करेंगे। साथ में यूथ के अलावा जो अनुभवी लोग हैं, बुजुर्ग हैं, प्रौढ़ हैं, उन लोगों को बड़ा अनुभव होता है, उनका उनकी टीम बनानी जरूरी है। हमने टारगेट रखा है कि गांव गांव में 21 लोगों की टीम बनाई जाए, कि वो लोग सब सारी चीजों को हैंडल करें। और उसमें ऐसा नहीं है कि जैसा कि एक पहलवान कह के गए थे साथी हमारे, जाटक जाटक जाटक, यहां जाटक भी है, यहां यादव भी है, यहां कुर्मी भी बैठा है, यहां पे जो है पंजाबी भी बैठे हैं, यहां पे सब तरह के साथी बैठे हैं। इस चीज को समझो सर, ये रोते रोते बहुत टाइम हो गया, इस कहानी से पहले अपने आप को बाहर निकालो, फिर बात की बात करो। ये जोड़ते नहीं, टूटते हैं, कोई जुड़ता नहीं, मैंने तो नहीं देखा जुड़ते हुए। इस बात को समझे, तो जो भी टीम बनेगी उस गांव में पूरी कोशिश की जाएगी हर समाज के साथी को लेकर चला जाए। किससे परहेज रखना है? जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, जो ब्राह्मण की बात नहीं मैं कर रहा, जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, उनसे बचा, उनकी एंट्री नहीं है बिल्कुल भी। आप समझ रहे मेरी बात, उनकी एंट्री नहीं है किसी भी जगह कहीं भी जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं। पर बाकी सबकी टीम बनाई जाए, सबको साथ लिया जाए, कोशिश करेंगे लगातार समझाएंगे आप भी और हम भी लोगों। इसके अलावा साथियों, हमें 2 महीने पहले काम करना है, सिग्नेचर कैंपेन हस्ताक्षर अभियान को पूरी तरह सफल बनाना है। 50 करोड़ का हमारा टारगेट है। अपने साथ जो टीम है उनको दीजिए, उन साथियों को दीजिए, फॉर्म दीजिए। अगर इस फॉर्म से कमी पड़ती है तो हम व्हाट्सएप पे आपको उसका वो भेजेंगे परफॉर्मा पीडीएफ में, वहां से निकल पाइए और भेजिए, और उस पर पीछे लिखा है कि किस पते पर आपको भेजना है, उस पते पर उसको भिजवाइए।